हाय भाई, कैसा है? मैं तो ठीक हूँ, पर वो सहज कर रहा है। भाई मुझे क्या पता, मैं उसके घर से आ रहा हूँ क्या यार? कंट्रोल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सबके? बढ़िया सर, बढ़िया सर। मैंने आप डाउट क्लास रखी थी, कौन कौन डाउट्स लेकर आया? बाकी डाउट ही नहीं सर। जब पढ़ाई नहीं होगा तो डाउट कहाँ से होंगे मेरे भाई? फाइनली बताओ प्रॉब्लम्स किस किस को है, क्योंकि अगर आज किसी ने अपनी प्रॉब्लम नहीं पूछी तो उसको एक पेरेंट्स को बुलाना ही होगा आज की डेट में। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि तुझे प्रॉब्लम है, तो एक काम कर, फिर प्रॉब्लम ही बता दे अपनी, क्या प्रॉब्लम है? गर्मी बहुत है सर। अच्छा तो तेरे को गर्मी लग रही है, नहा कर आया था? अरे नहा कर आया था? कितनी बार आया? कितने दिन में? रोज नहाता है बेटा? अब तू ही प्रॉब्लम पूछ ले कि क्या प्रॉब्लम है। सर मुझे नींद नहीं आती। अरे बेटा अच्छे अच्छों को नींद आ जाती है अगर वो किताबें खोल ले तो। किताबें खोल ले। चल भाई, कम से कम तू तो सही प्रॉब्लम पूछ ले यार। अरे आजा भाई, पूछ रहा है या लठ मार रहा है? सर आवाज जा रहा हूँ। सर इसकी छोड़ो सर, सॉरी मैं लेट हो गया, क्लास शुरू करते हैं तो वैसे ही देर आ गया। चलो आ जाओ। थैंक यू सो मच सर। हाँ सिद्धार्थ, अब तुम अपनी प्रॉब्लम पूछो। सर दांत में दर्द हो रहा है बहुत तेज की, कुछ बता दो। तनिक हमरी खोपड़ी हिल गई ना, तुम पिल पिला जाओगे राजा। चल तू पूछ भाई। सर सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे बेटा तू और पुष्पा। कैसे? पुष्पा अब जैसे मैं हूँ सलमान खान, अब इस पर पूछ रहे कैसे? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जहाँ एक की जगह हम दूसरे गुड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो तुम्हारी जगह पुष्पा और पुष्पा की जगह तुम। आजकल चल रहा है ना पुष्पा झुकेगा नहीं। मैं झुकेगा नहीं। तुम इस क्लास के सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, एटलीस्ट तुम ही कम से कम अच्छी प्रॉब्लम पूछ लो, ये सब तो बेकार है। सर इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में हम कैसे डिफरेंस करते हैं, क्या करते हैं, तो इसके लिए तुम्हें मैं एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा, ठीक है? क्योंकि अभी जैसे कुछ पेरेंट्स को मैंने बुलाया है, तो उसके बाद मैं, मेरी दूसरी क्लास है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये डाउट्स अपने बाद में पूछ लूँ, ठीक है? मैं सारा काम कराऊँ। हिमांशु तुम्हारी प्रॉब्लम भी मैं बाद में लूँगा, ठीक है? क्योंकि मैंने सहज और सिद्धार्थ के पेरेंट्स को आज बुलाया। ओके सर। तो भाई जैसे मैंने कहा कि आज सहज और सिद्धार्थ के पेरेंट्स को बुलाया था, तो कहाँ है भाई आपके पेरेंट्स? सर आधे रास्ते में सर, अभी आ रहे होंगे पापा। और सहज तुम्हारे डैड? वो भी आ जाएंगे। चलो देखते हैं। सहज सच में तुम्हारे डैडी आ रहे हैं क्या? वो तो बहुत रिच इंसान है, टाइम नहीं होता उनके पास। मैं तो कहता है बाकी देखते हैं, आंदे या नहीं आंदे कोई चक्कर नहीं। Few minutes later. तो ये 750 आंसर है। तो आज की क्लास हमारी इतनी है, वैसे अफसोस इस बात का है कि मैंने आज प्रॉब्लम क्लास में रखी थी और प्रॉब्लम सबने नहीं पूछी, और पता नहीं अपने दांतों की, अपने नींद की, पता नहीं कौन कौन से सबने प्रॉब्लम पूछी। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर पर पढ़कर आएंगे, और आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बाकी जो क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे जिनके पेरेंट्स को मैंने बुलाया था, उनको छोड़कर बाकी सब जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, फिर जैसे तुम्हारे डैड और तुम्हारे पापा आए तो रिसेप्शन पे मेरे से मिलो, ठीक है? कितने जा रहे हो? बेटा चले हो? डैडी ना आ रहे हो? बेटा तुम सुबह नहीं आ रही? तेरे डैड तो वैसे ही तू बैठ जा, लास्ट में समझा रहा भाई। तू बैठ। आ जाओ बैठ जाओ। बताइए आपकी बुलाया था सर,
अच्छा तो आप सिद्धार्थ के पापा हैं? जी सिद्धार्थ। यस सर। बुलाया एक को था पूरी मंडली आ गई। सर वो एक्चुअली मेरे पापा भी आ रहे हैं। चलो बैठ सिद्धार्थ। बैठिए सर। तुम्हारे पापा आए हैं? यस सर। लेकिन पहले आप पानी लो। नहीं नहीं आप ही। अरे नहीं आप ही। बेटा मैं कह रहा हूँ उसे खोल दो। कंट्रोल लूंगा। क्या सिद्धार्थ ने आपको बताया कि आपको मैंने क्यों बुलाया? नहीं सिद्धार्थ ने मुझे नहीं बताया क्यों बुलाया। सिद्धार्थ के साथ ये जो पूरी मंडली है ये पूरे के पूरे छठे हुए बदमाश कह दो, पढ़ते नहीं है, क्लास के अंदर लेट आते हैं, होमवर्क कभी इन्होंने किया नहीं, टेस्ट में इनके एक या दो नंबर और कभी कभी तो जीरो भी आ जाते हैं। मेरा बच्चा तो पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब आप बहुत बड़े अंधेरे में। ये बच्चा कह सकते हो आप कि इसके फेल होने के चांस है। बाबूजी मैं सुबह निकलता हूँ 7 बजे, शाम को घर में घुसता हूँ 10 बजे। जब भी आता हूँ देखता हूँ पढ़ रहा होता है रात को जब मैं आता हूँ। आप क्या कभी इससे सवाल करते हो कि बेटा काम किया या नहीं किया? इसकी मम्मी पूछती होंगी तो पूछती होंगी, मुझे तो पता नहीं, मैं तो बाहर फेल हूँ। सिद्धार्थ क्या काम करते हैं तुम्हारे पापा? सर रेडी लगाते हैं। किस चीज की रेडी लगाते हैं? सर केले। केले की रेडी लगाते हैं? तो आप भी रेडी लगाओगे अपने पापा के साथ? सर। तो क्या बनोगे? इंजीनियर, आईएएस, सीए, क्या करना है? सर कॉमर्स लिए तो सीए करेंगे तैयारी। सीए करोगे? यस सर। सीए की तैयारी कैसे? ऐसे। एक बात बताओ कि पापा सुबह से लेके शाम तक रेडी लगाते हैं केले की सिर्फ तुम्हें पढ़ाने के लिए, और तुम इनके साथ क्या करते हो? मस्ती। और फिर भी यहां बैठकर तुम हंस रहे हो, तुम्हें जरा सा तरस नहीं आता? पसीना अभी तक आ रहा है उनके चेहरे पर। 10 रुपए हैं तेरे पास? ये सर बता दो। क्या किया और जो तुम कर रहे हो वो क्या कर रहे हो? तुम कितनी फीस देते हो पूरे मंथली? 600 देते हो और 3 सब्जेक्ट के कितने हो गए? 1800। पूरे महीने तुम्हारे पापा पसीना बहाकर 1800 रुपए फीस देते हैं 3 सब्जेक्ट की, और तुम क्या करते हो? डेली एक दिन की छुट्टी मारते हो, एक दिन का काम नहीं करते पूरा, किसी भी दिन का काम पूरा नहीं होता और छुट्टी बार बार होती रहती है। तो उसका आप क्या कर रहे हो? उसको भी तुम डस्टबिन में डाल रहे हो अपने 1800 रुपए को। तब तुम्हें फिक्र नहीं हुई, अब यह सिर्फ 10 रुपए के नोट की वजह से फिक्र हो गई क्योंकि इस 10 रुपए से तुम्हें मोमोज खाने थे, लेकिन उस 1800 रुपए का क्या करना था जो बेचारे वो पसीने में बाह बहा कर कमाते। माफ कीजिएगा लेकिन ये एहसास दिलाना बहुत जरूरी था मुझे। बाबूजी हमने तो आपके हवाले कर दिया। अरे मेरे हवाले कर दिया लेकिन ये पढ़े तो सही, मैं तो चाहता हूं ये कुछ बने। अरे भाई ये अमीर है, इसके पापा बहुत रिच है, इनके पापा अमीर है, लेकिन तेरे पापा एक रेडी लगाते हैं केले की। मुझे नहीं पता था कि इतने गरीब हो तुम, लेकिन जैसे तुम्हारे ठाट बाट है उस हिसाब से तो तुम कुछ नहीं कर रहे। डेली डेली तुम अपने पैसों को डस्टबिन में फेंक दो बेटा, डेली। तो अब मैं उम्मीद करूं कि तुम पढ़ाई करोगे? यस। पक्का? यस सर। ठीक है अब ये वादा कर रहा है मुझसे कि पढ़ाई करोगे? हां। नहीं नहीं आप बैठो बैठो, देखो मेरा मन ऐसा नहीं था लेकिन क्या करूं। ठीक है बेटा, बस हम ये चाहते हैं कि आप पढ़ाई करो, कुछ बन के दिखाओ, हमें बड़ी खुशी होगी। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, पापा को देखो वो रो रहे। मेरा मकसद बेटा इनका दिल दुखाना नहीं था, मेरा मकसद था तुम्हें एहसास दिलाना। ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम पढ़ाई करो। ये 10 रुपए बेटा, ये जैसे 10 रुपए की वैल्यू है ना, ऐसी तुम्हारे पापा की जितनी भी कमाई है उसकी वैल्यू, उसकी कदर करो। ठीक है सर। तुम्हारे डैड? सर फोन करता हूँ।
एक काम करो तुम भी बैठ जाओगी, अभी पापा थक गए होंगे, बैठ जाओ, ये पी कर जाना। हेलो डैड, कहाँ पे हो? ठीक है, आ रहे। और तुम दोनों क्यों खड़े हो? तुम्हारे डैडी तो दो दिन बाद आएंगे ना, तुम एक काम करो अपने घर पे जाकर पढ़ाई करो, किताबें लो और घर जाओ। तुम्हारे पापा से भी परसों मिलते हैं। ओके सर, बाय बाय सर। सर डैड आ गए। ठीक है सर, कल 11 बजे रखते हैं। चलिए कल 11 बजे मिलते हैं आपसे। ठीक है, मैं अभी रखता हूँ, मैं फ्री होकर आपसे बात करता हूँ। बेटे के पास आया हूँ अपने। ओके ओके सर, ओके। मेरे डैड इतने बड़े इंसान हैं, सर को ऐसे झुक के सलाम कर रहे हैं। अरे सर, आप तो बैठिए, आपके क्या सहज ने आपको बताया मैंने आपको क्यों बुलाया? हाँ सर, एजुकेशन के पर्पस के लिए आपने बुलाया सर। बिल्कुल सर, बैठ जाओ। अरे ठीक है, तरीका हो, चलो कोई बात नहीं सर। एक्चुअल में सर, मैं अगर इसकी बात करूँ तो सैज ने आज तक कभी होमवर्क अपना किए नहीं। अच्छा, और क्लास के अंदर हमेशा लेट आता है, अगर आता है तो, वरना आता ही नहीं क्लास। मतलब डेली छुट्टी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसलिए मैंने सोचा कि ये बातें मैं आपकी नॉलेज में जरूर डालूं। नहीं, बिल्कुल सही कि आपने मुझे बुला के यहां पे। और एक बात और सर, इसके दिमाग में शायद ये है कि मेरे डैड बहुत रसूख वाले हैं, बहुत पैसे वाले हैं, तो मुझे आगे चल के अपने डैड का बिजनेस करना है, तो ये इसके दिमाग में बहुत बड़ी बात। एक मिनट सर, आपने फ्यूचर में बिजनेस करना है, और आपको पता है आप एजुकेशन जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं, आपकी स्कूल की फीसें जा रही हैं, सब कुछ जा रहा है, तो मैं आपको स्कूल क्यों भेज रहा हूँ? अगर मुझे आपसे अपना बिजनेस करवाना है, बिठाना है बिजनेस, मतलब अपनी सीट पे बिठाना है, तो मैं आपको एजुकेटेड इसलिए करवा रहा हूँ ताकि एजुकेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपके अंदर मैनर्स आएंगे, एटिकेट्स आएंगे, तभी आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। अभी जैसे सर ने आप बात कर रहे हो और आपने बीच में उनको टोक दिया, ये क्या मैनर्स हुए? हाँ सर, संस्कार मैनर्स की बात मैं करूँ तो सर, इसने कभी इज्जत से, रिस्पेक्ट से आज तक कभी नमस्ते या हेलो बोले नहीं सर। इसमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये गुरु की रिस्पेक्ट करता है। यार सहज, एक बात बता, मैं तेरे को एक दोस्त की तरह रखता हूँ अपने साथ, मैंने कभी फादर और सन वाला रिलेशन रखा नहीं, और तुझे भी पता है हमारे सिख रिलीजन में गुरु की कितनी इज्जत है। हमारे गुरु के कहने पे उनके बच्चों ने शहीदियां पाई थी कितने, और तू क्या कर रहा है? ऐसे थोड़ी चलता लाइफ में, जब तक तू रिस्पेक्ट नहीं करेगा तू बिजनेस कैसे संभाल सकता है? एक रिस्पेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है लाइफ का, जब तक हम अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। बेटा सर, एक सेकंड बेटा, लाइफ में आपके ना दो ही लोग खुश होंगे हमेशा आपकी सक्सेस से, एक आपके माँ बाप और दूसरे आपके गुरु, और इन दोनों की रिस्पेक्ट जरूरी है। अगर इनकी दोनों की रिस्पेक्ट आपने कर ली तो आप अपने जीवन में सफल हो जाओगे। मुझे पता नहीं था कि आपके फादर इतने अच्छे, इतना अच्छा नेचर रखते हैं और इतनी अच्छी सोच रखते हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि जैसे तुम बताते हो उस हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा मतलब ईगो रखते होंगे, लेकिन सर सैल्यूट टू यू। सर एक्चुअल में क्या है, मैं ऐसे टाइम ही नहीं दे पाया, लेकिन आज आपने अच्छा किया जो आपने मुझे बता दिया, अब थोड़ा मैं भी इसे। नहीं सर, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपकी बात मानेगा। मानेगा सर? जी सर। अब से पढ़ाई करोगे? देखो वो भी मान गया सिद्धार्थ, तो अपने डैड का बिजनेस संभालना है, अपने डैड का नाम खराब मत होने दो, बड़ी मेहनत से नाम कमाया उन्होंने। ठीक है बेटा, आज से मेहनत करोगे? जी सर। ठीक है, डैड को सॉरी बोलो कि नहीं सर, नहीं डैड, मैं आज से पढ़ाई करूंगा। सॉरी डैड। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, बट सबसे पहले जो मेन चीज है वो है अपने बड़ों की, अपने छोटों की, सबकी रिस्पेक्ट करनी, तभी लाइफ में, जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। बिल्कुल सर, और थैंक यू सो मच सर, मैंने आपको इतना कीमती टाइम आप निकाल दिया, लेकिन सर ये बहुत जरूरी था। और एक छोटी सी बात सर। जी सर। लगता नहीं हो कि आप इसके फादर हो सर, आप ऐसा लग रहा है जैसे आप इसके भाई हो। अरे नहीं सर, मेंटेन आपने बहुत अच्छा कर रखा है सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। तो आज की वीडियो में ये था, एक बात जरूरी कहनी थी आप सबसे कि हर कोई अमीर नहीं होता, हर कोई गरीब नहीं होता, पर हाँ हर एक बंदा इंसान ज़रूर होता है। किसी के पास पैसे ज़्यादा हैं तो किसी के पास कम,
किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो किसी के पास बहुत ज़्यादा है, तो जिनके पास ज़्यादा है क्यों ना अपनी रोटी में से एक रोटी किसी गरीब को दी जाए। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही था कि आप तक पहुँचाई जाए और आपको इसमें से कुछ सीखने को मिले। हम पढ़ाई तो करते हैं पर पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ये चीज़ें सिखानी भूल जाते हैं और यही नदीम अहमद सर हमारे कर रहे हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।